पढ़ो, हमें लगता है कि हमारी कहीं गलती हो जाती है, ध्यान से पढ़ने से हमारी गलती हमें एक बार दो बार में मिल ही जाती है, और वहाँ पे फिर हमें सुधार करना है कि ये बात लिखने से अच्छा है कि हम दूसरी कोई बात लिखी होती तो अच्छा रहता है, या तो तीसरी कोई बात लिखी होती तो अच्छा रहता है। उसका मतलब ये कि हम जो ये बात ज़रूरी नहीं है उनसे भी कोई अच्छी कोई बात याद आ गई, कोई कहावत याद आ गई या कोई पंक्ति याद आ गई तो वो लिख के हमें उसमें सुधार कर लेना है। उस यही उसका मतलब ये हुआ कि विचार विस्तार लिख दिया तो फटाफट चलो लिख दिया, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, ये नहीं लिखना है। विचार का विस्तार हमें कितना करना है, 8 से 10 शब्दों 8 से 10 पंक्ति में ही करना है, ये उससे भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, लंबा लंबा के नहीं लिखना है, क्योंकि सामने वाले को इतना टाइम भी नहीं होता है कि हमारा सब देखने जाए। फिर हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो हमारे मन का विचार हम लिखते ही जाएंगे, तो मन का विचार हमें यहाँ पर लिखना ही नहीं है। उसका जो ज़रूरी है वही बात लिखे, 8-10 लिटी यानि पंक्ति में ही उसका विस्तार करे, और ज़रूर जहाँ पे दिखती है वहीं पे हमें कोई अच्छे से दृष्टांत दो, कोई कहावत लिखो, कोई पंक्ति लिखो, ये ज़रूरी है। पंक्ति से हमारी क्या होती है, इम्प्रेशन बढ़ती है और उसको लगता है कि उस जो लिखने वाला है उसके दिमाग में ये बात बराबर आ गई है। उसके बाद महत्व की बात खास भूले ही नहीं, जो पंक्ति किसके बारे में है वही बात हमें मेन लिखनी है, और किसके ऊपर से है विचार विस्तार है वह भी लिखना है, और उसके बाद हमें देखने हैं भाषा शुद्धि। भाषा शुद्धि का मतलब होता है कि जो भी लिखा है उसको दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, भाषा शुद्धि व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि गुजराती भाषा है तो उसको समझना और उस ढंग से ही लिखना होता है।